अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो हम रेडी हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और पसीना भी बहुत निकल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है और ह्यूमिडिटी तो है ही है। खैर, और हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। हम 2 साल से इस प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, और इससे पहले ऑर्गेनाइज हुआ लेकिन कोविड की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो देखते हैं इस बार कैसे कैसा होता है ये प्रोग्राम, क्योंकि इतना वेट कर रहे हैं, और वहाँ चल के आपको बताएंगे। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं मुशायरे में अंदाज़े बयां, और इसी का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और आज इंशाल्लाह इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी। तो ये है अंदाज़े बयां और का इनविटेशन कार्ड, जो बड़ी मुद्दतों बड़ी वेट के बाद हमको मिला है। और कुछ ऐसा है ये बैक से। तो हम दोनों हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं। लेट हो गए हैं एज यूजल, लेकिन हाँ 6 बजे से टाइमिंग थी, 6 तो यहीं बज गया है। देखते हैं कहाँ सीट मिलती है, क्या होता है, क्योंकि उस पर लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट। अब देखो क्या होता है। तो चलिए साथ रहिएगा और देखिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो हम दिखाते हैं। हम ब्लॉगर्स के लिए ये चीज़ कितनी मतलब हम लोग को लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए क्या हुआ है। और ये देखिए नोट लिखा है सीटेड अवेलेबिलिटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी नॉट अलाउड। उनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। ये बात बिल्कुल आज गलत है, क्योंकि आज हम बहुत खूबसूरत महफिल में जा रहे हैं जिसके लिए हम एकदम रेडी हैं। आज का ये सूरज और ये बेहद खूबसूरत जगह बनने जा रही है एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत शाम की गवाह। और ये वो जगह है जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शाम का आगाज़ होने जा रहा है, और इस बंद दरवाज़े के पीछे छुपे हैं शायरी के बेहतरीन खजाने जो कर रहा है हमारा वेलकम। तो आज हमें लखनऊ की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी शाजिया आपा के साथ, और उनके मुशायरे में हम इनवाइटी थे तो वहाँ आए थे। तो हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपके इस मुशायरे की बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है आज, बहुत ही खूबसूरत। तो कुछ कहेंगे आप प्लीज़? देखिए इसको कामयाब आप लोग बनाते हैं, हम सिर्फ स्टेज सजाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। अरे आप चुन चुन के मोती लाते हैं, और थैंक यू वंस अगेन। और हम चाहेंगे आप इसी तरह के बार 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 ऐसे ही मुशायरा ऑर्गेनाइज करिए और हमें बुलाइए। थैंक यू, थैंक यू, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। क्या हो गया? वो अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और आपका तारुफ आप खुद कराइए, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और आपके बारे में कुछ कहे तो हम पर नहीं अच्छा लगेगा। हम तो उससे भी छोटे हैं। अरे बस यही चीज तो आप लोग को बहुत बड़ा बना देती है। तो आज आपका बहुत अच्छा आपने इस मुशायरा में पढ़ा, एक छोटा सा शेर जी। कोई सा आपकी पसंद, आपकी नस करूं या जो आपका दिल करे? मेरी नस करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, तो मेरी नस कर दीजिए। आप सबसे पहले तो मुंबई थे, 28 तारीख को यहाँ पर चौक स्टेडियम के सामने जी मुशायरा कर रहा हूँ, आलमी मुशायरा जो आज तक
पूरी दुनिया में आपने एक साथ इतने बड़े सितारों को एक साथ में देखा होगा। जी जी। उसमें जावेद अख्तर साहब का भाग किया जा रहा है, शबाना आजमी होंगी, वसीम भाई भी नहीं होंगे, संतोष आनंद होंगे, हसन कमाल साहब होंगे, और तमाम हस्तियाँ जो सोच सकती हैं आप स्टेज पर, वो सारी हस्तियाँ एक साथ इंशाल्लाह आप तशरीफ लाइएगा। और एक शेर आपकी नज़र करता हूँ, ज़माने का अगर डर था, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और ये ताम्र मेरे साथ रहेगा आपका ये शेर, क्योंकि ये आपने ये शेर मेरी नज़र किया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू जरा नवाजी, अल्लाह हाफिज़। तो अस्सलामुअलैकुम। तो लखनऊ में आप हमारे शहर में हैं और इतनी खूबसूरत आपने गज़लें पढ़ी और कुछ शेर कहे, तो कुछ शेर जो आपको पसंद हो। शेर तो मैंने बहुत से सुनाए हैं। जी जी जी। लखनऊ, जैसा कि कहा जाता है कि आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी, तो एक शेर पढ़ देता हूँ मैं। जी जी। तो आप लखनऊ भी तलाश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हौसला रखो रात बीतेगी, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह वाह, क्या क्या कहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की रात बहुत ही खूबसूरत थी और आपने बहुत उम्दा गज़ल और शेर पढ़े हैं, और शुक्रिया। और आज का ये रात हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। शुक्रिया। तो हेलो, वेलकम टू माय शो, टू माय ब्लॉग। तो आपका तारुफ हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने अंदाज में करिए, शायराना जी। जी, मैं आदाब, मैं हर्षित मिश्रा लखनऊ से ही। हाँ हाँ। और दो शेर आपके लिए हैं कि हम उसकी बस्ती में हैं, पांचों उंगलियां घी में हैं, कर जो जी चाहे हर्षित, हम तेरी मुट्ठी में। वाह 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 वाह, एक और, बहुत लालची, असल में हम लालची बहुत हैं। अच्छा, तो है ना हर्षित। दुनिया की इस तरह सूरत क्यों उतरी है तेरी, चल नहीं कहता कि गलती है तेरी, क्या ही मुस्तकबिल बना पाऊंगा मैं, चार छह दिन में तो शादी है। वाह 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 वाह, तो शादी में हम इनवाइट ही होंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बता दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी ऐसे ही खूबसूरत सी महफिल में हर्षित, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और लखनऊ का बहुत ज़्यादा नाम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यारा सब कुछ सुनाने के लिए। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर। तो हम बहुत ही फेमस हस्ती के साथ हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आपका, ओह थैंक यू। तो हम क्या बोलेंगे आपके बारे में, आप कुछ अपने अंदाज में अपने बारे में बताइए। मैं सिर्फ लखनऊ की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इस कदर प्यार और इज्जत मुझे दी है। अरे आप इज्जत के लायक हैं, आप डिजर्व करते हैं। आप लोगों की मेहरबानी है, हरियाणा लखनऊ को मेरा प्यार भरा आदाब सलाम, और जिंदगी रही इंशाल्लाह, तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जो मुझे याद आ रहा है जी, सर कुछ भी सुना। मोहब्बत नाम रखूंगा ना खुशबू नाम रखूंगा, अगर बेटी खुदा ने दी तो उर्दू नाम रखूंगा। हेलो लखनऊ, तो मेरे साथ कौन है, हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी मिस्टर रेहान भाई, हम लोगों के रेहान भाई हैं। तो आज आपका जो मुशायरा प्रोग्राम था वो एकदम बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह था, आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, और दो साल की वेटिंग के बाद हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमें पासेस मिले थे
ऑब्वियस है, लेकिन वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन आपको इस बार के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत ढेर सारी मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, और थोड़ा सा कुछ बोलिए। देखिए सारे के लब्बो लवाब ये है कि हाँ लब्बो लवाब लखनऊई अंदाज, वाह वाह। इस मुशायरे के हवाले से एक शेर आपको सुना देते हैं। बिल्कुल शुक्रिया। कौन सी बात कब कैसे की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बिल्कुल वाह 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 वाह। तो थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में आने के लिए। थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो हम आज मतलब यहाँ पर आना पूरा एकदम मजा आ गया है सच में। ये स्टेज देखिए कितना खूबसूरत है, और अंदाज़े बयां, और मेरी दुआ है कि ये मतलब चलता ही रहे 100, 200, 500, 1000 साल, ऐसे ही चलता रहे इसकी खूबसूरती, इसकी महफिल। आहा, ये देखिए ये मुझे मिला नहीं है, और लेकिन फिर भी मिला है, थैंक यू सो मच। अंदाज़े बयां और अंदाज़े बयां और जो मुशायरा सुनने आए थे वो इस ऑडिटोरियम में हैं, और देखिए, और ये अभी तो फ़िलहाल सब जा चुके हैं क्योंकि मुशायरा ख़त्म हो गया है, और फुल था हाउसफुल, लोग सीढ़ियों पे बैठे थे। तो मतलब होता है ना कभी कोई चीज़ आपकी विश पूरी हो जाती है, तो आज अंदाज़े बयां और में आना मतलब आपकी विश पूरी होना, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खूबसूरत मुशायरा था, बहुत खूबसूरत मुशायरा था, और हम बहुत, मेरी बहुत सारी दुआएँ अंदाज़े बयां और के लिए कि ऐसे ही फलता फूलता और तरक्की करता रहे। तो चलिए अब हम जा रहे हैं पार्किंग में, क्योंकि वहाँ मेरी गाड़ी है। तो हम दोनों अब वापस जा रहे हैं, अभी और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं बाहर, भूख भी लग रही है सबको, देखते हैं बाहर अब निकल रहे हैं तो घर जाना है। तो हमने पहले ही टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ कर दिया था, लेकिन जैसे लग रहा है कि हमने कम बोला है, हमें और बोलना चाहिए था अंदाज़े बयां और को लेकर। तो बस हम बोले जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत खुश हैं आज। तो आप बताइए, आपने ये मुशायरा देखा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं इस मिलादी को सुनने आया था। हाँ हाँ, वसीम बरेलवी साहब थे। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे शायर थे, मैं इन्हीं को सुनने आया। हाँ वो तो है ही, अच्छा तो लगा ही, बहुत मजा आया। आपकी मुलाकात हुई? हाँ हाँ, उनसे भी हुई, माशाल्लाह बात हो गई सभी से ही, थोड़ी थोड़ी हुई क्योंकि काफी, हाँ काफी लेट हो गया। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम अपना नाम बताओ पहले। नमस्कार, मैं अंबुज विश्वानंदन प्रयागराज से हूँ, और जैसा कि आज अंदाज़े बयां के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत उमदा शायर लोग आए थे, और मैं भी इलाहाबाद से सुनने चला आया, और बहुत ही उमदा महफिल थी, बहुत ही शानदार महफिल आज की शाम। हाँ वो तो सही कह रहे हो, लेकिन हमने सुना तुम इलाहाबाद से यहाँ आए प्रयागराज से बाइक से खाली अंदाज़े बयां और सुनने के लिए। बिल्कुल, क्या ये सही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारा। अच्छा, इन सब में आज जो मुशायरा था इसमें फेवरेट सिंगर, वो सॉरी फेवरेट शायर कौन है? वैसे तो मेरे सारे शोरा इकराम जितने थे सब फेवरेट। हाँ हाँ, खास तौर पर मैं वसीम साहब से मिलने आया था क्योंकि उनका एक हाँ। दो शेर मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता है कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, वो मुझे छोड़ रहा है इसमें उसकी खता नहीं, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता जी। अब बिल्कुल वाह वाह वसीम जी के लिए, और चलो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते अपनी चार पंक्तियां अपने शहर के लिए पढ़ देता हूँ। बिल्कुल, प्रयागराज वासियों सुनो पंक्तियाँ अंबुज को। अच्छा रुको, कि भले सुख दुख मिले पर हम सभी आबाद रहते हैं, जिसे हैं चाहते उसके हमेशा साथ रहते हैं। और सुनने वालों आप सबके लिए, कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास आ जाना, कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास आ जाना, कहीं भी और ना रह कर इलाहाबाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है अंबुज जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से आए हैं अंदाज़े बयां और सुनने के लिए, देखने के लिए, वो भी बाइक से। जी। क्या मतलब ये यकीन करने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ यकीन है क्योंकि इनकी बाइक
यही यही खड़ी भी है और भाई 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 यूपी 70 है और ये वापस शायद इससे करोगे अभी अभी नहीं अच्छा आज तो स्टे है सुबह 4-5 बजे वापस निकल जाएंगे तो फिर अंदाजे भैया इतनी की शोहरत और इतनी अच्छी है और वो इतना अच्छा अंदाजे भैया है मुशायरे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले उसके बारे में बहुत ही खूबसूरत दुबई से लेकर हाँ वो तो भाई है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन लखनऊ में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है सुनने के लिए तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ऑनर की बात है। चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके और मैं जाते जाते एक बात और कह देना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि जैसे पढ़ने वालों के लिए उनका ख्वाब होता है ISPCS बनना वैसे लिखने वालों के लिए इस समय ख्वाब हो गया है अंदाजे भैया और में मुशायरा पढ़ना कवि सम्मेलन पढ़ना वाह वाह बड़ी बात है और मेरा भी ख्वाब है कि मैं एक दिन दुबई के मंच पर पढ़ूंगा इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह चलिए बहुत अच्छी है मेरी ढेर सारी बहुत सारी दुआएं आई विश जब आप बहुत बड़े कवि बन जाएं और तो मेरा ब्लॉग देखें तो आपको समझ में आए कि हमने आपको विशेष किया था ठीक है तो इलाहाबाद और प्रयागराज वालों अंबुज के खातिर चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक नन्हा सा कलाकार आपकी मदद से दुनिया के सामने आ सके और बड़ा शोहरा इकराम बन सके और बाकी चीज़ें मैम ने जो माध्यम है मैम ने माध्यम बनाया है तो उस उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ हो सके और मेरे लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मोहब्बत बहुत शुक्रिया थैंक यू आ गए हैं वापस घर और जैसा कि हम बता कर गए थे हम गए थे एक मुशायरा प्रोग्राम में जिसका नाम है अंदाजे बयां और इस ये फेमस तो वर्ल्ड वाइड है इसकी पॉपुलैरिटी मेरे कहने से बहुत पहले से है वर्ल्ड वाइड तो आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था बहुत अच्छा था इतना मज़ा आया इतना अच्छा टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया इतने अच्छे शायर इतने अच्छे कवि और क्या गज़लें सुनाई सबने खूबसूरत गज़लें खूबसूरत कविताएं मतलब दिल खुश हो गया हम सच में बहुत 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 खुश हैं और मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद अंदाजे बयां और को मेरा दिल नहीं कर रहा है कि हम वीडियो एंड करें क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा सच में हमें दिल से खुशी हुई है कि हम गए वहाँ और थैंक यू द ऑर्गेनाइज़र क्योंकि पास अरेंज हुए और हमको पासेस मिल गए तो सारे शायरों से तो बात नहीं हो पाई है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और बिल्कुल सबको देर हो रही है चंद लोगों से एक एक दो दो मतलब मिनट आप कह सकते हैं उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है हमें तो बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई हमसे ऐसे बात करेगा और सबसे अच्छी बात अंदाजे बयां और कि ये लगी हमें कि वो एकदम यंग टैलेंट जो है उसको लेकर आए और लखनऊ के बहुत उम्दा शायर वहाँ पे थे जिनको सुनकर बहुत मज़ा आया और भी बाकी जगहों के थे लेकिन हाँ लखनऊ टू लखनऊ कनेक्ट करता है तो बस इसलिए बाकी तो बेहतरीन मतलब बेहतरीन शायर वहाँ पे थे और जिनमें से एक है वसीम बरेलवी साहब और इकबाल अकबर और मंजर भोपाली और शबीना अदीब और शकील जमाली हसन काजमी साहब मनीष शुक्ला और अकबर काशिफ साहब और भी बहुत सारे शायर वहाँ पे मौजूद थे इन जिन सबको सुनकर बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा लगा वो टाइम सारा कहाँ चला गया बिल्कुल भी हमको पता नहीं चला कि टाइम कहाँ गायब हो गया तो अंदाजे बयां और की वीडियो क्लिप्स हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट हैं वो आप उनके फेसबुक अकाउंट पे या यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं तो इसलिए हम ये सारी क्लिप्स नहीं डाल सकते वो प्राइवेट है आज का ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी YouTube फैमिली और ग्रो करे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, बाय।